other stories that we are tracking this morning, this is in particular with the Gyanvapi Masjid case. The MNS has now claimed that there are two dargahs that have been built on the Puneshwar temple land in Maharashtra's Pune city, where the MNS General Secretary Ajay Shinde has claimed that the commander of Khilji dynasty ruler Alauddin Khilji had demolished the Puneshwar and the Narayeshwar temples in Pune, and later dargahs were built on the land. So meanwhile, Shiv Sena ally Congress has hit out at the MNS, calling it the B team of the BJP. बात पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ अभी मंदिरों की बात करते हैं, यहाँ बुद्धिस्टों की मंदिर किसने तोड़ी, जैनों की मंदिर किसने तोड़ी, अनारियों की मंदिर किसने तोड़ी? अगर मंदिर अलग अलग देखने जाए तो अब बहुत सारे लोगों का कहना है, कई मंदिर बौद्धों की मंदिर थी या जैनों की मंदिर थी वो तोड़ी गई हैं, अनारियों की मंदिर थी, तो उसका क्या करने का? हम ये यहाँ इस देश में यहाँ के बुद्धिस्टों को कई हत्या हुई, उनको पूरा उनकी कौम खत्म करने का ये हुआ, आद्य शंकराचार्य ने सब तिराट चलाया और यहाँ से बुद्धिस्ट बाहर गए, मन से वही काम करेंगे, मन से को कौन बी टीम है, भाजप के कहने से ये सब वो कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं। हमें इस बारे में चर्चा नहीं करना है, पहले ही महाराष्ट्र लास्ट फडणवीस सरकार ने बहुत सारा कर्जे में ला के रखा है, केंद्र की सरकार रोज महाराष्ट्र पे अन्याय कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान के इश्यू है, ये सब इश्यू को हम लोग नजरअंदाज क्यों कर सकते हैं? आखिर जिसको धर्म के वाद से अगर राजनीति की रोटियां सेकना है तो उनका इश्यू है, हम लोग इसके चर्चा में नहीं जाना चाहिए।